जब अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचे तो आपने जो वक़्त के तीन सरदार थे उनको दावत दी और बुलाया, फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। और उन्होंने जिस जगह से आपके ऊपर उन बच्चों से लड़कों से पथराव करवाया, भाई सामान ये आप जिसके पास खड़े हैं, ये पीछे चार दीवारी से इस जगह को कवर किया गया है, ये वो जगह है जहाँ से आपके ऊपर पथराव किया गया। ये देखें कि अल्लाह की दाते बाबरकत ने इस जगह का फैसला फरमा दिया, इसको इबरत का निशान बना दिया। आज लोग इधर कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं, अल्लाह कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं। अगर जगह की बात करें, ज्यारत की बात करें, तो ये जगह जो है इबरत का निशान है, ज्यारत आपके सामने है, तो पास पास ही हैं सारे। अल्लाह तबारक ताला ने इसका फैसला फरमा दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का दो बार सफ़र फरमाया। आप आए पहले तो 10 दिन का या 12 दिन का क़याम किया और वापस चले गए। उसके बाद जो सहाबा दीन इस्लाम की दावत के लिए आते तो उन्हें उन पर तशद्दुद किया जाता। जो शहीद हो गए वो शहदा का कब्रिस्तान जो है वो ये है जिसमें दरख्त लगे हुए हैं। इधर देखिएगा, दरख्त लगे हुए और जैसे कि आपको पता है कि अरब की रवायत है कि यहाँ पर कब्रों के निशान नहीं बनाए जाते। हम जैसे हमारे मुल्क में कब्रों के निशान बनाते हैं, हम कब्रिस्तान जाते हैं, दूर से पता चलता है कि कब्रिस्तान है, तो इधर कब्रों के निशान नहीं बनाए जाते। आप इसकी दूसरी तरफ से सीढ़ियों के ऊपर से जब इसके अंदर ज़ियारत करेंगे तो आपको कब्र नमा कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन झाड़ियाँ वगैरह पौधे लगे हुए हैं। शहदा का कब्रिस्तान यही है, जो यहाँ के शहदा हैं सबकी तदफीन इधर ही है, कन्फर्म होगी, दो जगह कन्फर्म होगी। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाला से ये जो पानी वाली आपको टंकी नज़र आ रही है, ये पानी वाली टंकी नज़र आ रही है, छोटे छोटे होल हैं, आप उसके अंदर से ज़ियारत कर सकते हैं। जब हम लोग यहाँ से रवाना हो गए, अगर हमारी गाड़ी को इस तरफ से गुजरने दिया तो आप गाड़ी में बैठ के अच्छे से उसकी ज़ियारत कर सकते हैं, विजिबल नज़र आएगा आपको, ठीक है। थोड़ा ऊंचा दीवार के ऊपर से भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम नज़र आएगा आपको। उसके बाद मकतबा है, आपने कपड़े के ऊपर कुरान मजीद लिखा, पत्थरों के ऊपर कुरान मजीद लिखा है, वो सारी की सारी ज़ियारत अंदर मौजूद हैं। तो आपने सबसे पहले मकतबा की ज़ियारत करनी है, जैसे ही अजान का वक़्त, नमाज का वक़्त करीब आएगा, इसको बंद कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो मकतबा की बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है मकतबा की, उसके बिल्कुल साथ दीवार डॉन है, उसके अंदर आपकी कब्र मुबारक है, आपका मकबरा शरीफ है, तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सब लोग बाहर से ही फातिहा खानी करते हैं, तो आपने भी बाहर से ही करनी है। दरवाज़ा वगैरह ढूंढेंगे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो लाइब्रेरी के अंदर से उसको बंद किया हुआ था। उसके बाद साथ में जो थोड़ी सी अंदर है बिल्डिंग, औरतों की मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने की जगह है, और साथ में बड़ी मस्जिद है, मर्दों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। तो सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वुज़ू बनाया हुआ है सब ने, तो सबसे पहले आप मकतबा की ज़ियारत करें, क्योंकि इसको बंद कर देंगे जी। बिस्मिल्लाह, यही वो रास्ता है जो सारी ज़ियारत को जाता है। उसके बाद फिर स्टेप बाई स्टेप पानी की टंकी नज़र आ रही है, ये जो पानी की टंकी नज़र आ रही है, इनके पीछे उनका घर है, ये घर खाली मेरे अपने हाथ से लगाया है। चलो साइड में ऐसे देखो।
ये सामने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह बजले जो भाई करना चाहेगा दीना तुम बारिश की तस्वीर मक्तबा अब्दुल्ला बिन अब्बास ये वो हाथ है जो जी कुरान मजीद है जो उन्होंने अपने हाथ से लिखा था लाइब्रेरी ऑफ अब्दुल्ला बिन अब्बास अल्लाह ada